इसको सुधारेंगे। ऊपर नंबर में जो क्वेश्चन दिया यहाँ पर, इसका नेम लिखना फट से देखो लिख करके, हालांकि हम बताए नहीं है इसको कैसे करना है। सो क्या लिखा है इसका, चलो देख लेते सबको एक एक करके तुरंत। गलत हो गया, ठीक है ये भैया गलत हो गया। प्रोपेन देखना इसका कैसे कैसे लिखेंगे सो देखना, अलग 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 ये भी ठीक है। प्रोपेन ठीक है, रुको रुको गलत, यहाँ पर दो जगह इन कैसे लगेगा, दो में से एक देगा, तो देखना इसको कैसे लिखेंगे सो, खपा करके देखो इसको लिखना कैसे, तो तब तक इसको साफ कर देते हैं। बता दें देखना इसको लिखेंगे कैसे सो, सबसे पहले देखो कार्बन कितना है, तीन कार्बन है, दो तीन कार्बन है, अब तीन कार्बन बात आ जाता है कि नंबरिंग किधर से करें, तो नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक आता है, तो इधर से आ गया 1 2 3। अब इसमें पहला पॉसिबल क्या होता है कि डायरेक्ट हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, प्रोपेन डायरेक्ट लिख सकते हैं इस तरह से, पहला हो गया। दूसरा इसको कैसे लिखेंगे, अगला अगला लिखेंगे कि आप गिनते जाएंगे कि कार्बन, यानी इसको क्या बोलेंगे, कॉमन नेम के नाम से इसको जानते हैं। अगला क्या होता है कि देखो कि जो डबल बॉन्ड है वह कितना पोजीशन पर है, वन पोजीशन पर है, तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, प्रोप वन वन इन हो गया इस तरह से। अब कोई को क्या करेगा कि इस तरह से लिखेगा, तो देखो कि पढ़ने में कौन अच्छा लगता है, प्रोप वन इन लगता है, नहीं वन इन प्रोप लगता है, ये वाला लिखता है, तो सबसे ज़्यादा उसका वो चीज़ इसका करेंगे, गलत नहीं होगा भैया, गलत नहीं होगा, लेकिन उस तरह से नहीं लिखना है। क्या हो गया, ये ऊपर वाला तो सही है, समझ गया रे, अगला लिखो तो इसका बना कर देखो क्या हो जाएगा, इसका क्या करना, नंबरिंग किधरों से भी करेगा चल जाएगा भैया, हाँ इसका नंबरिंग किधर से भी करेगा काम चल जाएगा भैया, किसमें, तो देखो ना 1 2 3 एक हो जाएगा और चार को, सबसे ज़्यादा मिस्टेक यही हो रहा है क्या, हाइड्रोजन लिखने में, हाइड्रोजन से साहब क्या कहते हैं दुश्मनी हो गया, बन गया क्या नेमिंग हो जाएगा इसका, यानी इसका नेमिंग किधर से भी देखना, ब्यूट 1 3 ENE ठीक है, गलत हो गया, हाँ रुको रुको रुके भी हम बता रहे ब्यूटेन लिखेगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका कॉमन नेम नहीं होता है, इसलिए कि इसमें दो डबल बॉन्ड है, समझा, डायरेक्ट इसको नहीं लिखना, जैसे ब्यूटेन लिखेगा तो ब्यूटेन डायरेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसमें बॉन्ड कितना है, दो गए, यदि मान लो कि हाँ देखना एक सेकंड देख लो इधर एक सेकंड, कि मान लो इधर एक गो रहता कहीं पर, तो इसको ब्यूटेन हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या है डबल है, तो हाँ देखो इसको मिला लेना, ठीक देखो इधर से, इधर इसका नंबरिंग किधर से भी करेंगे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 4 हो गया, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 आने क्या लिखते हैं, ब्यूट
क्या हो जाएगा वन पर, देखो कि डबल बोन एक पहला पोजीशन पर है और कितना तीसरा पोजीशन पर है, तो क्या हो जाएगा वन थ्री, अब है कितना एक दो, तो क्या हो जाएगा डाय ब्यूट 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 वन थ्री डाय इन हो जाएगा, समझ गया भैया, समझा रहे ब्यूट टी ई बट हो जाएगा, ब्यूटी देख मिला ब्यूटी होगा सर भैया, तो ब्यूट देखो ई नहीं होगा, तो चलो कोई दिक्कत नहीं हो गया ब्यूट, चलो ठीक है आप कितना है ब्यूट, चार कार्बन के लिए ब्यूट वन थ्री डाइन भैया, देखिए दूसरा ये सब लिखा है ब्यूटी, ठीक है ना भैया, वही तो ब्यूट वन थ्री डाइन उसी लिखे यहाँ पर भी, पहले बना लेते, चलो इसका बनाओ इसका बना के देखना अगला, अगला बना के देखो इसका क्या जाएगा, अगला क्वेश्चन में सिर्फ एक कार्बन बढ़ाना था इसका, क्या हो जाएगा ठीक तो है, इसमें 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 भी है दो लगेगा, नहीं लगेगा दो लगेगा, कैसे लगेगा वन टू थ्री फोर, हो गया है, इसी तरह है? चलो ठीक इसी तरह लिख लेना, सबको मिल गया, एक बार नजर उठा के आस्ते से देख लो, इसी तरह बना ना, इसका देख करके देखो हो पाएगा तो, चलो अभी यही पर रहने दो, इसी तरह ना अभी तब तक हम अगला क्वेश्चन बढ़िया से लिख रहे हैं, इसमें कार्बन जोड़ने के लिए अलग से करना पड़ेगा, हटा देते इसका बना लो उसके बाद में आगे दूसरा देंगे, बन गया क्या लिखा पिछड़का, बन गया अरे पिछड़ का साथ मटा दिए मैं यहाँ पर, गलती है तो डबल वन बता दीजिए, पिछड़का अरे पिछला वाला क्वेश्चन क्या था, एक दो तीन चार पांच कार्बन था ना, क्या गिर रहा है क्या क्वेश्चन इसी तरह था,
क्या ये 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 इसका क्या कहते हैं नंबरिंग कैसे करेगा? सीधे ना होगा भैया, डबल बॉन्ड कैसे सुनाएंगे? किधर से करेगा? सीधा सीधा पूरा सीधा। देखो इसमें प्रायोरिटी दे देना डबल बॉन्ड का। प्रायोरिटी आउल लग सीधा हो। तब वहाँ क्यों? सीधा ना। समझ गया? ध्यान में ना दे दे डबल बॉन्ड। हम की लड़ी छोड़ो। आज क्या छोड़ना बस सब लिख लेंगे इसको। क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। इथाल क्या जाएगा? मिथित प्रो ब्यू पेंट। कितना हो जाएगा? एक वन पोजीशन पर है और दूसरा थ्री। हो गया इसका बनाया कोई? वन कोमा थ्री। इसका कौन बनाया? कौन बनाया इसका? जल्दी बनाओ। हाँ H3C। आने में बोले कि इसी तरह कोई भी लिखेगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसको बनाओ तब तक थोड़ा देर के लिए। अब देखो तुम लोग, अब तुम लोग का समय सीमा क्या हुआ? समाप्त। अब इसको हम कैसे बनाते हैं तो देखना। सही है भैया, मेरा देखना। सबसे पहले क्या करेंगे? हाँ मैं बोलिएगा कि गलत है। इधर घुमाओ। सही है लेकिन पॉइंटिंग गलत की है। हाँ तो इसीलिए ना बोले कि जो जो गलती करेगा उसको समोसा खिलाना पड़ेगा, तब गलती नहीं करेगा। गलती के लिए सही कर लो, चला जाएगा ना इसमें। अब देखना आराम से, देखो इसका नंबरिंग कैसे करते हैं। इधर से जाएंगे सबसे पहले, फिर अपना गाड़ी इधर घुमाएंगे, इधर आ जाएंगे। हो गया नंबरिंग करते जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पर क्या हो गया? 10। यहाँ पर क्या हो गया दोस्त? इसका ब्रांच हो गया, ब्रांच ठीक है ना। अब इसको यहाँ पर क्या करते हैं? साफ। अब सबसे पहले क्या करना था कि ब्रांच के साथ साथ डबल बॉन्ड को भी देखना था। तो देखो कि इसमें क्या करना है, और उससे पहले ब्रांच को देखना। तो ब्रांच कितना पोजीशन पर है? सात पोजीशन पर। कहाँ पर ब्रांच है? इसको और सारा सुविधा देने के लिए क्या करते हैं? इसको और सारा सुविधा देने के लिए पूरा इसको पैक कर देते हैं। अब इसमें कहीं दिख रहा है अलग से? ना ना दिख रहा। तो देखो कि सेवन पर एक ब्रांच है, तो क्या जाएगा? सेवन मिथाइल। सेवन पर मिथाइल हो गया। हाँ फटाक से डैश देंगे। देखो कि क्या हो जाएगा? कार्बन कितना? 10 गो। कितना हो जाएगा? देखो जाएगा। अब देखो कि डबल बॉन्ड कितना है? 1 2 तो क्या हो जाएगा? 2 4 इसी तरह है भैया। और ये रहा इसका यूपेक नोमेनक्लेचर। इसी तरह तो है हम लोग। हो गया हो गया रे भैया, इसने बनाया था काम भी बहुत देर करते हैं। देखिए अब इससे पहले जाने से पहले अब ये क्वेश्चन इसको बनाओ क्या हो जाएगा। अब देखो एक क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट दे देते हैं, इसको मटा देते। क्या समझा? अब देखना इसको। अब देखो कि क्या रहेगा, यदि फ्लोरीन रहेगा, ब्रोमीन रहेगा, आयोडीन रहेगा, क्लोरीन रहेगा, तो क्या करेंगे? फ्लोरो ब्रोमो आयडो क्लोरो। इसको क्या लिखेंगे? फ्लोरो फ्लोरो ब्रोमो क्लोरो आयडो क्लोरो फ्लोरो फ्लोरो एफ यू एल ओ आर ओ। क्या हो जाएगा? फ्लोरो यू नहीं होगा। चलो सो देख लेना, इसको ऐसे लिखना है। आप देखना कि इसका को क्वेश्चन दे देते हैं यहाँ पर। यू एफ एन यू
तो इसी तरह लिखे थे। इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा? हाँ, कुछ सबसे पूछ लेंगे क्या होगा रे। हो गया, पोजीशन कितना है? टू पर, टू क्लोरो प्रोपेन हो गया। इसमें भी डबल बॉन्ड सब डाल दीजिएगा। अब डाल देंगे इसमें, तो इसको आगे बढ़ा दे। समय को ध्यान में देखते हुए क्या कि ज़्यादा हो जाएगा तो डाइजेस्ट करने में क्या होगा। ये रहा तुम लोग का नेक्स्ट डे का होमवर्क। तो होमवर्क देने के लिए क्या करेंगे, हम अपना शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले देखना कैसे मेरा शॉर्ट फॉर्म पता है कि नहीं, कैसे लिखते हैं सर। हाँ बस ये रहा एस डब्ल्यू, लेकिन तुम लोग घर में नहीं, लॉज में, तो क्या एल डब्ल्यू हो जाएगा। समझ गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या करते हैं, एस डब्ल्यू लिखने छोड़ के क्या लिखते हैं, एल डब्ल्यू। क्या तुम लोग रहता कहाँ पर है? लॉज में। तो क्या हो जाएगा? एल डब्ल्यू। समझ गया, अब चलो लिखते जाओ। ये भी लगा दें, क्या लगा दें? लॉज के बाद क्या लिखे, ये लॉज वर्क, उसके बाद क्या बोलते हैं कि खाना बनाने के बाद बनाना, खाने से पहले लेकिन बना लेना। समझ गया, ठीक। और ये भी लिख देते हैं कि 11 बजे तक इंस्टा चलाना है, उसके बाद फिर क्या करेगा, 12 बजे खाएगा, उसके बाद फिर खा के सोने से पहले क्या करेगा, स्टोरी लगाया होगा, देखा कि उसमें कितना कोई सीन किया। समझ गया, उसके बाद 4-5 बजे तक सोना, फिर अगला दिन कॉलेज खत्म, सुबह 6 बजे उठ के फिर कॉलेज जाना। समझ गया, 6:25 चलो इसको लिखो। कौन सी होता है हल्ला कल कर रहा वीडियो ना नहीं बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है, नहीं डलाएगा ये वाला, आराम से लिखते जाना। यार वही रहा लास्ट वाला क्वेश्चन। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहने का मतलब क्या है, कि क्या करेगा, मार्कर या कलम पकड़ेगा और घींच देना इधर से उधर, क्या बन गया कंपाउंड, रेडी हो गया तुरंत। तुम लोग भी खींच देना, उसके बाद में क्या करना अपना क्वेश्चन। हाँ, और दूसरा क्या होता है केमिस्ट्री में, सबसे आसान क्या होता है, नहीं जानता तो डायरेक्ट बोल दो एक्सेप्शन, लेकिन कोई पूछा रीजन और नहीं पता रहा तो क्या होगा, वहाँ पर पिटा जाएगा आराम से। उतना बड़ा नहीं देते, एक लास्ट में छोटा दे देते, इसको बना लेना ठीक। तो दिस इज द नेक्स्ट डे होमवर्क, समझ गया, अगला दिन का होमवर्क है, वो भी कहाँ कहूँ, लॉज का होमवर्क है, आराम से लॉज में रहेगा, हम सार हो जाते हैं, इसको लिख लेना आराम से तुरंत, उसके बाद क्या करना, रूम में बैठ करके आराम से नहीं बनाना, समझ गया, लॉज में बैठ और लॉज में आराम से कॉपी खाली करके कर लेते हैं ना, उसके बाद में कल बढ़िया से तुम लोग को क्या कहते हैं रिपेयरिंग करेंगे। तो आज का क्लास को क्या करते हैं यहीं पर रहने देते हैं, नहीं करते हैं, कर देते हैं।
का बना।